सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि ये अदालत मानती है कि शादी सामाजिक घटना है। एक संस्था के रूप में विवाह राज्य से पहले है। इसका मतलब यह है कि विवाह की संरचना सरकार से पहले है। विवाह की शर्तें सरकार की शर्तों से परे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कमेटी बनाकर एक कानून लागू करने के बारे में विचार करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेम सेक्स मैरिज जिस पर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लंबे समय से बहस हो रही है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सेम सेक्स मैरिज लीगल है। दुनिया के 194 देशों में से कुल 32 देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिल चुकी है। इनमें 22 देशों में जनमत संग्रह से और 10 देशों में कोर्ट के आदेश से मान्यता मिली है। इनमें अमेरिका और ब्राजील प्रमुख देश जहां मिश्रित प्रक्रिया को अपनाया गया था। विधायी प्रक्रिया के माध्यम से समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाले महत्वपूर्ण देश यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, क्यूबा, स्लोवेनिया और बेल्जियम है। एंडोरा, क्यूबा और स्लोवेनिया 3 ऐसे देश हैं जहां पिछले साल सेम सेक्स मैरिज को कानूनी रूप से वैध करा दिया गया है। 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिली। वहीं दक्षिण अफ्रीका 2006 में सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। एशियाई देशों की बात करें तो ताइवान साल 2019 में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बना।